Hello learners, this is Jyoti Manjal from Management Department and today we are going to study some basic accounting terms. So our first term, that is capital. Now see, what is capital? It refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise. So जब भी initially firm start होती है, business start होता है, business start करते समय जो proprietor, जो owner है business का, वो जो amount initially invest करता है business में, that amount is known as capital. So the second point is, it can be in the form of cash, goods or assets. ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी capital है वो cash के form में ही होगी. Capital आपकी cash के form में भी हो सकती है, goods के form में भी हो सकती है और assets के form में भी हो सकती है. कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, दैट इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ कैपिटल. सपोज दिस इज अ बिजनेस, ये आपका एक बिजनेस है. एंड ये है आपका ओनर. नाउ इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो ओनर है, ओनर ने बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करे हैं 1 लाख रुपीज के. 1 लाख रुपीज के उसने फंड्स प्रोवाइड करे एंड देन उसने देखा कि उसके जो बिजनेस है, फर्म को कुछ फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है. सो उसने अलॉन्ग विद दिस 50,000 का फर्नीचर अपने घर से प्रोवाइड करा फर्म को. सो अगर आप देखोगे इनिशियली जब फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय जो भी अमाउंट या फिर गुड्स प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल. तो इस एग्जांपल में जो टोटल कैपिटल ओनर ने फर्म को प्रोवाइड करी है, दैट इज 1 लाख प्लस 50,000. सो आई थिंक नाउ जो सेकेंड पॉइंट है ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो आपका कैपिटल है जरूरी नहीं है कि वो कैश के फॉर्म में होगा. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑल्सो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ऑल्सो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स ऑल्सो. सो द लास्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट एसेट्स. सो द सेकेंड टर्म, दैट इज ड्रॉइंग्स. Now, any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or private payments made out of business funds are called drawings. जो भी पैसा अगर proprietor अपने personal काम के लिए फर्म से बोरो कर रहा है या फिर उसने फर्म से कोई भी पैसा ले रखा है, लेकिन वो जो पैसा वो फर्म से ले रहा है वो फर्म के यूज़ में नहीं है, वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए उस पैसे को अगर यूज़ कर रहा है, तो वो अमाउंट हो जाएगी आपकी ड्रॉइंग्स. सो जो आपकी ड्रॉइंग्स हैं, इट ऑलवेज रिड्यूसेज द कैपिटल. ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती हैं. नाउ एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में अराइज हो सकता है कि कैपिटल और जो ओनर है, ओनर का ही तो बिजनेस है, वो अपने फॉर्म से पैसा निकाले, उसमें इन्वेस्ट करे, हम उसे ड्रॉइंग्स के तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे. उसमें एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट जो ओनर है दैट इज डिफरेंट एंड जो फर्म है दैट इज डिफरेंट. दोनों के हैं डिफरेंट है और उनकी सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं. उसी कंसेप्ट के बेसिस पे अगर ओनर बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करा रहा है तो वो उसका कैपिटल हो जाएगा, और अगर अपने पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ करेगा, दैट विल बी द ड्रॉइंग्स. सो सेपरेट लीगल एंटिटी जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे ये जो टर्म्स हैं इनको हम अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. सो द थर्ड अकाउंटिंग टर्म, दैट इज लाइबिलिटी. नाउ लाइबिलिटी का जो बेसिक मीनिंग है, लाइबिलिटी इसका मीनिंग है दैट इज बर्डन. लाइबिलिटी एक टाइप का बोझ होती है बिजनेस पे. सो नाउ सी, इट रिफर्स टू द फंड्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन टू द प्रोपराइटर. सो इट इज सेइंग दैट आपकी लाइबिलिटीज वो हैं जो भी पैसा फर्म आउटसाइडर्स को, बिजनेसमैन को छोड़ के, जो ओनर है, ओनर को जो पैसा ओन करता है वो आपका होता है कैपिटल, और बिजनेसमैन को छोड़ के आउटसाइडर्स को जो भी पैसा फर्म को पे करना होता है, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी. वो फर्म की लाइबिलिटी होती है. इसीलिए मैंने आपको बोला था लाइबिलिटी आपकी क्या है, एक तरीके का आपके ऊपर बर्डन है, बोझ है, क्योंकि आपको वो पैसा आउटसाइडर्स को रिटर्न करना है. Now, in other words, liabilities are debts. Liabilities हमारी debts होती हैं. They are the amount owed to the creditors.
क्रेडिटर्स क्या होता है ये भी आप इसके बाद देखेंगे. लायबिलिटीज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज एसेट्स माइनस कैपिटल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के जो टाइप्स हैं दैट इज लायबिलिटीज इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक है आपका करेंट लायबिलिटी और दूसरा है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी. नाउ फर्स्टली सी व्हाट इज करेंट लायबिलिटी. करेंट लायबिलिटी रिफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर नॉर्मली विद इन वन ईयर. सो करेंट लायबिलिटीज आपकी वो लायबिलिटीज हैं जो फर्म को विद इन वन ईयर एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं. सो वो वही आपकी करेंट लायबिलिटीज. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. आपने बैंक से अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर पैसा विड्रॉ कर दिया है तो आपको बैंक को वो रिटर्न करना होता है विद इन वन ईयर. सेकेंड है आपका बिल्स पेबल. थर्ड वन इज क्रेडिटर्स एंड फोर्थ वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करे हैं वो हो गए आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ लाइबिलिटीज दैट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज. सो जस्ट करेंट लाइबिलिटीज का अपोजिट है आपकी करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज. इट रिफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड. सो जिन लाइबिलिटीज को आप आफ्टर वन ईयर भी पे कर सकते हो लॉन्ग टर्म में जो आपको लाइबिलिटीज पे करनी होती हैं वो लाइबिलिटीज हो जाती हैं आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज. जस्ट करेंट लाइबिलिटीज का अपोजिट. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं लॉन्ग टर्म लोन्स. आपने बैंक से लोन ले रखा है अगर आपको वो लोन आफ्टर वन ईयर पे करना है. यूजुअली जब भी हम लोन्स लेते हैं तो उनकी जो ड्यूरेशन होती है रीपेमेंट की वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है. सो वो आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी. एंड डिबेंचर्स. सो डिबेंचर्स भी आपकी होती हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज. नाउ सी द नेक्स्ट टर्म. द नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स. सो नाउ क्रेडिटर्स, द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स from whom goods have been purchased or services procured. Creditors वो लोग होते हैं जिनसे firm ने पैसा ले रखा है. For example, या तो firm ने उनसे goods purchase कर रखे हैं या फिर firm ने उनसे services ले रखी हैं लेकिन अभी तक उनका payment नहीं किया हुआ है तो वो आपके हो जाएंगे creditors. Like for example, now see ये आपका मोहन एंड दिस इज बिजनेस. सपोज बिजनेस ने क्या करा मोहन से गुड्स परचेज करे. सो मोहन ने बिजनेस को गुड्स प्रोवाइड करे हैं रुपीज 10,000. सो मोहन ने बिजनेस को गुड्स प्रोवाइड करे हैं यानी कि बिजनेस से गुड्स परचेज करे 10,000 के. बट राइट नाउ अभी फर्म के पास इतने पैसे नहीं है या फिर फर्म के पास 10,000 रुपीज़ नहीं है तो फर्म विल से टू मोहन कि हम आपका जो पेमेंट है कैश वो हम आफ्टर 3 मंथ्स कर देंगे. आफ्टर 3 मंथ्स सो हियर मोहन विल बी द क्रेडिटर. मोहन क्या हो जाएगा फर्म का क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि हमने उससे गुड्स तो परचेज कर लिए हैं यानी फर्म ने गुड्स तो परचेज कर लिए हैं लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट की नहीं है. पेमेंट ड्यू हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई मोहन विल बी द क्रेडिटर. सो अभी इससे पहले हमने देखा था कि क्रेडिटर्स आपके होते हैं करेंट लाइबिलिटीज क्योंकि विद इन वन ईयर आपको उन्हें पेमेंट करना होता है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि विद इन 3 मंथ्स में फर्म को पेमेंट करना है मोहन को. सो Now the second term that is debtors. So debtors में सबसे पहले see this B, ये जो B है हमारा that is silent. So हम इसे बोलते हैं debtors. The term debtors represent those persons or firm to whom goods have been sold or services have been rendered and payment has not been received yet. सो क्रेडिटर्स का जस्ट अपोजिट हो जाएंगे आपके डेटर्स. डेटर्स रिप्रेजेंट्स टू दोज पीपल जिन लोगों को आपने गुड्स प्रोवाइड कर दिए हैं या फिर आपने जिन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं लेकिन अभी तक उन लोगों ने आपका जो पेमेंट है वो नहीं किया हुआ है. सो विद इन वन ईयर वो लोग आपको पे कर देंगे. दोज विल बी योर डेटर्स. जस्ट आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनके अपोजिट. सो मोस्टली पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. हमें कन्फ्यूज नहीं होता है होना है. क्रेडिटर्स आपके वो लोग हैं जिनको फर्म को पे करना है आपकी करेंट लायबिलिटी और डेटर्स होते हैं वो लोग जिनसे फर्म रिसीव करेगा विद इन वन ईयर. सो डेटर्स होती हैं हमारी करेंट एसेट्स. नाउ सी द नेक्स्ट टर्म. द नेक्स्ट टर्म इज बिल्स पेबल.
It is a business document that shows the amount to owing for goods and services received on credit, meaning payment has not been made yet. Second point, it is saying that the amount specified in such a bill is payable at a future date. So bills payable, just now मैंने आपको creditors का example दिया था. So इसी तरीके से, for example, इसी example में हम समझ लेते हैं कि आपके bills payable क्या होते हैं. मोहन से बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हुए हैं और अभी तक उसको पेमेंट नहीं की हुई है. जब मैंने आपको क्रेडिटर्स एक्सप्लेन किया था, सो मोहन ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनाओ या फिर कोई प्रूफ. तो बिकॉज मोहन वॉज ट्रस्टिंग द फर्म, मोहन को बिजनेस फर्म पे ट्रस्ट था. मे बी वो रेगुलर डील करते होंगे, उनकी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी, तो इस वजह से मोहन ने कोई प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट नहीं साइन करवाया. इनकेस बिल्स पेबल में क्या हो जाता है कि जिन लोगों को फॉर्म पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर फर्स्ट टाइम आप डील कर रहे हो, या फिर फॉर अ जस्ट फॉर अ सेफर साइड, आप सेफर साइड पे रहना चाहते हो, तो फॉर्म क्या करेगा, लाइक मोहन विल से कि ठीक है आप बोल रहे हो आफ्टर 3 months आप हमें क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, बट वी वॉन्ट अ प्रूफ, हमें प्रूफ चाहिए. तो फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म एक डॉक्यूमेंट बनाएगा. इस डॉक्यूमेंट में वो मेंशन करेगा कि यस मोहन वी विल पे यू 10,000 rupees आफ्टर 3 months. वो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देगा कि आफ्टर 3 months मोहन वी विल पे यू 10,000 rupees, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देगा. एंड देन मोहन भी उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, ये यहाँ पे मोहन साइन कर देगा, एंड दैट विल बी अ बिल्स पेबल. सो आफ्टर 3 months मोहन शो कर सकता है उस बिल्स पेबल वाले डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ कि यस आपने ये बिल्स पेबल का डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, तो अभी आप हमें हमारा जो अमाउंट है वो पे करो. सेम है आपका बिल्स रिसीवेबल. सो इट इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट दैट शोज एन अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट. सो जस्ट लाइक बिल्स पेबल की तरह आप एक बिल्स रिसीवेबल का डॉक्यूमेंट बनाते हो. जब भी आप किसी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या फिर सर्विसेज रेंडर कर रहे हो और यू डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर जस्ट अपने प्रूफ के लिए आप क्या करते हो, अपने पास एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हो. सो उस डॉक्यूमेंट में भी सेम इसी तरीके से आप लिखोगे कि मिस्टर एक्स आपको हमें 10,000 rupees पे करने हैं क्योंकि आपने इतने के गुड्स लिए थे, यू विल साइन इट, मिस्टर एक्स भी उसे साइन कर देगा. सो दैट विल बी अ बिल्स पेबल. सो इट इज सेइंग द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज रिसीवेबल इन अ फ्यूचर डेट. जो भी बिल्स पेबल में अमाउंट मैंशन की गई होती है वो अमाउंट फर्म को फर्म रिसीव करता है फ्यूचर डेट पे. इट इज़ अ करेंट एसेट. जो आपका बिल्स रिसीवेबल है ये करेंट एसेट है. इट मीन्स कि जो अमाउंट उसमें मेंशन है वो अमाउंट आप रिसीव करोगे विद इन 1 year, क्योंकि करेंट एसेट्स हैं तो आपको 1 year के अंदर अंदर वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट इज एसेट्स. सो एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंट्स का. सो उसमें से सबसे मेन है एसेट्स. So anything which is in the possession or is the property of a business enterprise, including the amount due to it from others. So it is saying कि assets आपकी वो हैं which is the possession or the property, business की जो भी property है वो business के assets हो जाएंगे along with the amount due to it from others, यानी कि जो आपके debtors थे, यानी कि जो आप amount अभी receive करने वाले हो future में from others, so वो भी आपका आ जाएगा assets में, यानी कि जो debtors हैं, यानी कि आप इसमें bills receivable को भी ले सकते हैं. so It is an asset, in other words, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset. So, ऐसी जो भी चीज है जो फर्म को हेल्प करेगी कि वो फ्यूचर में कुछ कैश अर्न कर सके या फिर बेनिफिट रिसीव करे, वो फर्म की एसेट्स हो जाएंगी. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिकॉज मशीनरी का आप यूज़ करोगे, मशीनरी का यूज़ करके आप गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स यू विल सेल इन द मार्केट एंड यू विल अर्न प्रॉफिट. तो ये चीज़ मशीनरी आपको हेल्प कर रही है कि आप क्या कर सको, कैश जनरेट कर सको. लैंड एंड बिल्डिंग फर्म की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, तो ये भी एक एसेट्स है. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल यानी कि आप अमाउंट फ्यूचर में रिसीव करोगे. सो अगेन बिल्स रिसीवेबल भी आपकी क्या हो गई, एसेट्स.
सो ऑन. नाउ टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स के टाइप्स हम देख लेते हैं. सो फर्स्ट टाइप का जो आपका एसेट है दैट इज नॉन करेंट एसेट्स. सो नॉन करेंट एसेट्स रिफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड और विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल. सो इट इज सेइंग दैट नॉन करेंट एसेट्स आपकी वो एसेट्स हैं जो फर्म अपने पास रखता है. फर्म का जो मेन पर्पज़ है, फर्म इन्हें सेल नहीं करना चाहता है, ये फर्म के पास ही रहती है, बिजनेस के पास ही रहेंगी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. फर्म इन्हें दोबारा से सेल आउट नहीं करेगा. इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, ये कंसिडर किया जाता है कि इफ़ फर्म इज़ हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग तो फर्म उनका यूज़ करेगा और उन्हें आगे सेल नहीं करेगा. सिमिलरली आपके जो वी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आपकी एसेट्स हो गई क्योंकि वो आपको क्या करेंगी, उस अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए तो उसके बदले आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे. सो बेसिकली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है नॉन करेंट एसेट्स में, ये आपकी वो एसेट्स हैं जिन्हें फर्म सेल नहीं करेगा और फर्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इन एसेट्स को अपने पास रखता है. जो आपकी सेकेंड टाइप की एसेट्स हैं दैट इज नॉन करेंट एसेट्स. सो सॉरी, नॉन करेंट एसेट्स यानी कि हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं. नॉन करेंट एसेट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका टेंजिबल एसेट्स और सेकेंड है आपका इनटेंजिबल एसेट्स. सो टेंजिबल, आई थिंक एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स आपके वो एसेट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, वो है आपके टेंजिबल एसेट्स. फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी है, मशीनरी को आप टच कर सकते हो. फर्म के पास कोई मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल को आप टच भी कर सकते हो, आप उन्हें देख भी सकते हो, तो वो भी हो गई आपकी टेंजिबल एसेट्स. Intangible assets, intangible assets are those assets which do not have a physical existence and thus cannot be seen or felt. Intangible assets again होती तो आपकी क्या है, fixed assets यानी कि non current assets ही हैं, but आप इन्हें ना ही touch कर सकते हो, ना ही आप इन्हें देख सकते हो, इनकी कोई physical existence नहीं होती है. Like for example goodwill, patents, copyright, trademarks, computer softwares and prepaid expenses. लाइक फॉर एग्जाम्पल गुडविल. गुडविल क्या होता है, गुड नेम ऑफ द फर्म. अगर आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, आपका नेम अच्छा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो वो आपको हेल्प करता है कि नए नए जो भी कस्टमर्स हैं वो आपके फर्म के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो, आपसे गुड्स परचेज करें. या फिर हम कह सकते हैं पेटेंट्स, जब भी फर्म क्या करता है, कुछ नया इनोवेशन करता है, तो उसके भी हाफ में फर्म को इनोवेशन के पर्पज से एक बेनिफिट मिलता है, दैट इज पेटेंट. वो एक पेटेंट एक राइट मिल जाता है, वो आपको हेल्प करता है कि आप आगे के जो आपको एक राइट मिल गया कि सबसे पहले वो चीज़ आपने इनोवेट की हुई है. सो ये वो एसेट्स हैं, आप इन्हें ना ही देख सकते हो. फॉर एग्जांपल फॉर्म की गुडविल हम नहीं देख सकते, फॉर्म की जो रेपुटेशन है वी कैन नॉट सी इट बिकॉज उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. कंप्यूटर है, मशीनरी है, इन्हें आप देख सकते हो लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स को आप देख नहीं सकते हो. येस, बट ये एसेट्स होती हैं क्योंकि ये फॉर्म को हेल्प करती हैं कि फॉर्म आगे फ्यूचर में अच्छे से अर्न कर सके. नाउ द सेकेंड कैटेगरी दैट इज करेंट एसेट्स. एक हमने इससे पहले पढ़ा था नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है आपका करेंट एसेट्स. सो करेंट एसेट्स आपकी वो एसेट्स हैं सो विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू कैश विद इन वन ईयर. यानी कि या तो मैनेजमेंट इनको विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट करना चाहेगा या फिर फर्म क्या करना चाहता है कि ये जो आपकी एसेट्स है इन्हें सेल कर देगा. फॉर एग्जांपल स्टॉक, आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे तो आप गुड्स क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ताकि आप उन्हें सेल कर सको. तो जो गुड्स हैं यानी कि स्टॉक है वो आपका क्या होता है, फॉर रीसेल पर्पज है, तो दैट इज अ करेंट एसेट. या फिर आप चाहोगे कि ये जो आपकी करंट एसेट्स हैं विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए. जैसे अभी आपकी क्या बताई थी मैंने आपको, बिल्स रिसीवेबल. तो बिल्स रिसीवेबल इट इज़ अ करंट एसेट क्योंकि विद इन वन ईयर आप चाहते हो कि वो पर्सन जो आपका बिल्स रिसीवेबल है वहाँ से आपका अमाउंट आप रिसीव कर लें. So, important point is there, although prepaid expenses will never be released in cash, these are also included in current assets since service or benefit which will be available against these without further payment. So it is saying that prepaid expenses आपके वो expenses होते हैं, like for example जो आपने expenses अभी future में होने थे लेकिन आप उन्हें पहले ही pay कर दे रहे हो. आपने like sims जब आप लेते हो, आपने prepaid postpaid देखा हुआ है, तो pre यानी कि
विदाउट अकरिंग. अभी वो एक्सपेंसेस हुए भी नहीं है, लेकिन आपने उन एक्सपेंसेस के होने से पहले ही उनका पेमेंट कर दिया है. सो वो जाएंगे आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो इट इज सेइंग दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस से आपको ना ही कोई कैश जनरेट होने वाला है, बट स्टिल आप उन्हें अपनी करेंट एसेट्स के तरीके तौर पर ट्रीट करते हो, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पहले ही पे कर दिए हैं और उनके बदले आपको जो सर्विसेज हैं वो अभी फ्यूचर में रिसीव होंगी विद इन वन ईयर, और आपको उसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं करना है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एसेट, दैट इज फिक्शीशियस और नॉमिनल एसेट्स. सो जो टर्म है फिक्शीशियस, ऑलरेडी इस टर्म का अगर आप देखोगे जो मीनिंग है, दैट इज इमेजिनरी. आपने जब भी आप कभी मूवीज वगैरह देखते हैं तो मूवी स्टार्ट होने से पहले उसमें एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है कि ऑल द कैरेक्टर्स इन द मूवी आर फिक्शीशियस, यानी कि इमेजिनरी है सारे कैरेक्टर्स. उसी तरीके से फिक्शीशियस एसेट्स भी आपकी इमेजिनरी एसेट्स हैं, यानी कि रियल में कोई एसेट्स नहीं होती हैं, बट स्टिल फॉर्म इन्हें एज एन एसेट ट्रीट करता है. Now these are the assets which cannot be released in cash, or nor the further benefit can be derived from these assets. Such assets include debit balance of profit and loss and the expenditure not yet written off, such as advertisement expenses, etc. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to profit and loss account gradually over a period of time. तो actual में ही आपकी assets नहीं होती है, but आप इन्हें assets के तौर पर treat करते हो. Like for example, यहाँ पे एक term use हो रहा है, that is expenditure advertisement expenses. Like for example, एक पर्टिकुलर ईयर में फर्म ने एडवर्टीजमेंट पे जो अमाउंट स्पेंड किया है, दैट इज 5 crore rupees. नाउ इफ अगर फर्म एडवर्टीजमेंट कर रही है वन ईयर में, तो फर्म उसका जो बेनिफिट है वो आगे के आने वाले फ्यूचर ईयर्स में भी फर्म को रिसीव होगा बेनिफिट, बिकॉज अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपने कोई ऐड किया है, तो उस ऐड को आप आगे के ईयर्स में भी यूज करोगे तो बेनिफिट आपको तब भी रिसीव होगा. सो व्हाट फर्म विल डू, फर्म ने डिसाइड किया कि ये जो 5 crore rupees है एडवर्टीजमेंट को, हम इनको 5 years में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. लाइक फर्स्ट ईयर में आपने 1 crore rupees शो कर दिए, सेकेंड ईयर का अगेन आपका 1 crore हो गया, थर्ड ईयर का भी 1 crore rupees. सो इस तरीके से फर्म ने जो रिमेनिंग अमाउंट है 4 crore rupees, उसको आगे के ईयर्स के लिए शो कर दिया. नाउ व्हाट फर्म हैज डन, इस पर्टिकुलर ईयर में ये जो 1 crore rupees है, इसको तो आप एज एन योर एक्सपेंस शो करोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के तौर पे आप इसे शो करोगे, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4 years, बिकॉज आपने जो पेमेंट की होगी एडवर्टीजमेंट के लिए वो तो की है टोटल पेमेंट 5 crore rupees, लेकिन आप एक्सपेंस शो कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 1 crore rupees. तो 4 crore rupees जो है आपके, उन्हें आप शो करोगे एज इन योर एसेट, आप उन्हें एसेट्स के तौर पे शो करोगे. इसीलिए मैंने आपको बोला था ये आपकी क्या होती है, इमेजिनरी एसेट्स, यानी कि फिक्शियस एसेट्स. असल में ये आपकी कोई एसेट्स नहीं है, बट स्टिल आप इन्हें एज एन एसेट शो कर रहे हो. सो द रिमेनिंग 4 crore rupees विल बी शोन इन द एसेट साइड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.